मोदी सरकार के 2 साल के उपलक्ष्य में भव्य समारोह का आयोजन आदित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से किया गया, जहां बोरीवली इलाके से सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा जन प्रतिनिधि के रूप में 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सत्कार भी किया गया। इस मौके पर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार, सह संगठन मंत्री सुनील करजातकर जी ने इस समारोह में हिस्सा लिया, जहां गोपाल शेट्टी को उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों, समाज हित में किए गए कार्यों को सराहा और उन्हें ढेर सारी बधाइयां भी दी। गोपाल शेट्टी जी इसी तरह देश और समाज के लिए कार्य करते रहें। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों से भी सभी को अवगत कराया गया और विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में कांग्रेस मुक्त भारत बनाते हुए देश का विकास इसी रफ्तार से करते रहेंगे। वहीं बीजेपी मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार, सांसद गोपाल शेट्टी, प्रदेश सह संगठन मंत्री सुनील करजातकर जी ने आदित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ट्रस्टी हरीश चंद्र मिश्रा जी को शुभकामनाएं दी कि वे इसी तरह समाज के विकास में अपने शैक्षणिक संस्था के द्वारा नए युवाओं, देश हित और समाज के हित के लिए प्रेरित करते रहें। नहीं, वैसे मेरा सामाजिक जीवन का सफर 25 साल का नहीं 45 साल का है, लेकिन 25 साल प्रतिनिधित्व जीवन का पूरा 22 फरवरी को होगा। आदित्य ग्रुप के हमारे मित्र हरीश चंद्र जी ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, इसलिए निश्चित मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। वैसे मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता के लिए सत्कार और इस प्रकार का कार्यक्रम कोई मायने रखता नहीं है, लेकिन फिर भी 25 साल का सफर जब मैं पूरा कर रहा हूं तो मुझे अपने आप में बहुत गर्व होता है कि शून्य से लेकर यहां तक का मेरा सफर में लोगों की सारी आशा और अपेक्षाओं को पूरा करते हुए एक बेदाग राजनीतिक जीवन का इतना लंबा सफर मैंने पूरा किया। मैं सभी अपने मित्रों को, मेरे चाहने वालों को दिल की गहराई से अभिनंदन करना चाहूंगा। मेरे पार्टी के नेताओं ने जो मुझे इतना बड़ा मौका दिया है, इसलिए उनका भी मैं अभिनंदन करते हुए जीवन के अंतिम क्षण तक लोगों का काम करते रहने का प्रयास करूंगा, ये भाव प्रकट करना चाहता हूं। देश भर में जिस प्रकार से मोदी जी ने 2 साल में काम करके दिखा है, 2 साल के पहले का वातावरण को अगर आप याद करेंगे तो एक भय का वातावरण था, देश का क्या होगा इसका चिंता था लोगों को, महंगाई आसमान छूने जा रही थी। मैं इस बात का दावा नहीं करता हूं कि महंगाई बहुत कम हुआ है, लेकिन उसको रोकने में मोदी साहब सफल हुए हैं। देश के लोगों में एक नई उमंग जागी है, देश के युवाओं में एक आत्मविश्वास का लहर देखने के लिए मिलता है, और निश्चित मैं इस बात का दावा आप सबके सामने करना चाहूंगा कि जब 2019 के चुनाव में मोदी जी अपनी टीम को लेकर जाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि किसी के पास वोट मांगने की आवश्यकता पड़ेगी। कैमरामैन राजेश के साथ शमा खान, द टाइम्स 24x7 न्यूज़, मुंबई।